आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपने वेबकैम को अपने फ़ोन के कैमरा को यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर मैक ओएस जो भी हो उसके वेबकैम की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक प्लगइन्स होना चाहिए, मतलब पहले तो OBS होना चाहिए, ठीक है। OBS कैसे डाउनलोड करते हैं ये आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पे भी है ऑलरेडी वीडियो, तो आप उस आपको पता चल जाएगा OBS कैसे डाउनलोड करना है। OBS एक ओपन सोर्स आपको पता होगा OBS क्या है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर उसके बाद OBS पता चल गया, उसके बाद OBS का एक प्लगइन्स होता है OBS NDI, उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OBS मेरे ख्याल से आपको पता होता है क्या है, उसके बाद NDI प्लगइन सबको पता नहीं होता है, लेकिन उसको पता करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आपको कुछ मिनट का वीडियो है वो देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि OBS NDI प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने इस वीडियो में इसलिए इसको नहीं रखा क्योंकि अगर ऐसा करता मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, और इसलिए मैं चाहता था कि उसको सेपरेट कर देना दोनों को अलग अलग, और दो वीडियो भी बन जाता मेरा इससे, तो फ़ायदा है, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया। तो उससे आप मतलब सीख लीजिएगा कि कैसे OBS NDI प्लगइन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप OBS खोलिएगा, OBS NDI जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप OBS कुछ इस तरीके का दिखता है, और उसके बाद जो है सबसे ऊपर में आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा OBS NDI तो टूल्स में जाइएगा, तो अरे यार क्या हिल रहा है, अरे यार इसको क्या हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे NDI आउटपुट सेटिंग है, मतलब टूल्स में, तो ये आ जाएगा जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आना जरूरी है। और ये कैसे लाना है आपको आपको ट्यूटोरियल देख के पता चलेगा इस वीडियो के लिंक पे। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। अगर आप वो कर चुके हैं तो चलिए अच्छी बात है, आपका एक सीन क्रिएट होना चाहिए OBS में। उसके बाद उसमें सोर्स में जाने के बाद आपको सोर्स में जाने के बाद प्लस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद NDI सोर्स पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू NDI सोर्स पे क्लिक करना है, ओके। और उसके बाद सोर्स नेम पे यहाँ पे राइट में क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है आपको अभी बताते हैं। तो NDI काम करने के लिए आपके फ़ोन में NDI का एक क्या बोलते हैं उसको, NDI का ऐप होता है, वो आपको इंस्टॉल करना है। तो NDI का ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन iOS कुछ भी होगा, तो उसके वेब स्टोर में जाना है। वेब स्टोर खोलिए, आराम से खोल लीजिए, और उसके बाद आपको वेब स्टोर में टाइप करना है आपको NDI टाइप करना है। उसके फर्स्ट में आएगा आपको न्यूटेक NDI करके, और उसको इंस्टॉल कर लेना है। वो कुछ 100 मतलब कुछ रुपये का है, तो आपको कुछ रुपये का वो ऐप है, तो चूंकि वो कुछ रुपये का ऐप है तो फ्री का नहीं होगा, इसीलिए मैंने एक काम किया है कि आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, उस लिंक से आप वो ऐप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं कहने का मतलब। और अगर आपको कुछ समय बाद जाके इस ये वीडियो देख रहे हैं YouTube पे, तो आप जो उसका लेटेस्ट वर्जन गूगल से कैसे भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं जो मेरे लिंक है उससे भी, क्योंकि वो पुराना हो जाएगा कुछ समय बाद, इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब आप गूगल से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। और जब वो डाउनलोड हो जाए तो याद रखिए कि आपका जो है कहने का मतलब, एक मिनट, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने फ़ोन में जो ऐप आप इंस्टॉल किए हैं वो आप ऐप जो है ओपन कर लेंगे, और ऐप ओपन करने के बाद आपको एक कैमरा के तरह वो ऐप दिखेगा, वो कैमरा के तरह दिखेगा, उसमें एक वाइट बटन होगा, आपको उस वाइट बटन को क्लिक करके उसको रेड करना है। रेड हो गया, और जब रेड हो जाएगा तब जाके आपको अपने YouTube कहा गया OBS में एक सोर्स क्रिएट करना है,
जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एक सोर्स क्रिएट करना है, प्लस पे क्लिक करके NDI सोर्स, उस पर NDI का कोई भी नाम डाल दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, और ये सोर्स नेम में यहाँ पे छोटे से डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा एक, देखिए लोकल होस्ट उत्सव निशांत आ गया ना, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, और ये देखिए मेरा कैमरा आ गया स्क्रीन पे, कैमरा आ गया आपको, ये देखिए आ गया ना, ये मेरा कैमरा है और इससे आ गया मेरा, देख लीजिए कुछ भी सब चीज़ दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको HD करना है, ये फुल HD, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद सेटिंग टैब का एक आइकन होगा उस आपके ऐप में, और ये फ्रीज क्यों हो गया यार, मतलब फक फ्रीज क्यों हो गया पता नहीं, चलिए इसको पहले ठीक करते हैं, फ्रीज हो गया है पता नहीं क्यों। तो हुआ ये था कि मेरा वाईफाई काम करना बंद कर दिया था, इसलिए जो है सो कनेक्शन एरर हो गया था। तो हम फिर बैक हो, मतलब आ चुके हैं, फिर देख सकते हैं आप मेरा कैमरा काम कर रहा है। तो आपको एक बात बताना जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो छूट गया था वो ये है कि इस चीज़ को काम करने के लिए आपका मतलब कैमरा सॉरी आपका फ़ोन और आपका आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो भी है सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, सेम नेटवर्क से। ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक हॉटस्पॉट ले लीजिए किसी भी फ़ोन का, या फिर किसी भी आपके पास अगर बड़ा सा राउटर है उसका हॉटस्पॉट ले लीजिए, उससे आप लैपटॉप कनेक्ट कर दीजिए और उससे आपका मतलब फ़ोन भी कनेक्ट कर दीजिए और तब जाके ट्राई कीजिए, तब होगा। और अगर आपका राउटर होगा तो आपका लैग नहीं करेगा, फ़ोन होगा तो लैग करेगा। इसका कारण यह है कि आपका वाईफाई का स्पीड फास्ट होना चाहिए, बहुत ही फास्ट, और राउटर का फास्ट होता है, इसीलिए जो है सो क्या कहते हैं मतलब राउटर का फास्ट होता है तो लैग नहीं करता है, तो इसलिए उम्मीद करें कि राउटर ही होना चाहिए आपके पास। तो उसके बाद ऐसा काम करता, देखिए अभी तक काम कर रहा है। अब इसको मैं HD बनाऊंगा, देखिए फुल स्क्रीन लाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल HD में जो है सो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है इमेज। अब मैं इसको HD बनाता हूँ, देख लीजिए। तो जैसे ही मैंने HD बनाया, इसका स्क्रीन साइज भी बढ़ गया, देख सकते हैं आप। तो इसी के तरह ये काम करता है, आप समझिए होंगे कैसे काम करता है। पहले आपको NDI का प्लगइन्स डाउनलोड करना है आपके OBS में, उसके बाद जो है सो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है, और उसके बाद एक सोर्स क्रिएट करना है NDI का, और उसमें लोकल होस्ट आ जाएगा और उससे आपका जो है सो काम करेगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखिए बंद हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।